Good afternoon, all of you. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Mr. Dheeraj, Mr. Aditya, Mr. Rakesh, Mr. Bilal, Mr. PV Murthy, can you hear me? अच्छा, मैंने आपको एक WhatsApp मैसेज किया था. टेन फोर्टी एट का मेरा मैसेज है, करेक्ट? प्लीज चेक दैट मैसेज. क्या लिखा था उसमें? बैंक निफ्टी नॉट फॉलिंग, स्टे अवे फ्रॉम बैंकिंग स्टॉक शॉर्ट ट्रेड्स. बैंकिंग स्टॉक में अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस बनाया है तो उससे दूर रहना है, करेक्ट? क्लियरली मैसेज दिया था. ओनली निफ्टी फॉलिंग टुडे, मोर पैनिक फॉल बिलो 16980. ओनली 16980 तोड़ेगा तो और पैनिक फॉल है, करेक्ट? 16980 तोड़ा ही नहीं, 17,000 के आसपास दो बार रिटेस्ट करके ऊपर गया है. आज का अगर आप पैटर्न देखो तो कैसा पैटर्न है? ऐसा पैटर्न है, ऐसा पैटर्न है. मैं आपको पैटर्न पहले बताता हूँ आज का क्या इंट्राडे पैटर्न फॉर्म हुआ है. पहला कैंडल फॉल, करेक्ट? फॉल आया है, पहला कैंडल फॉल आया डायरेक्ट, एंड देन ऐसा रिकवरी हुआ है. दिख रहा है? ये नाइकी का लोगो जैसा पैटर्न बना आज, करेक्ट? ऐसे मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने आपको कई बार सिखाया, यस और नो? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कई बार मैंने सिखाया, करेक्ट? अच्छा, एक और रूल मैंने आपको ओवर ट्रेडिंग के बारे में बताया था. मिस्टर अंसार अगर वेबिनार अटेंड नहीं कर रहे शायद, कई बार मैंने बताया है, 10:30-11 के आसपास अगर प्रॉफिट आ जाता है तो टर्मिनल बंद कर दो, उसके बाद डायरेक्टली 2 बजे के आसपास ट्रेड करो. ये मैंने बताया था, यस और नो? करेक्ट? ये मैंने कई बार बताया है. मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर शंकर दयाल सिंह, मिस्टर श्रीराम, मिस्टर दिव्य निवार, ये मैंने कई बार बताया है, यस और नो? करेक्ट. ज्यादातर लोगों का ये सोचना होगा कि या तो आज प्रॉफिट कम हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, बट यू जस्ट सी माई स्क्रीन. आप मेरा स्क्रीन देखो, ये मेरा स्क्रीन है, आज का पीएनएल है, और इसको मैं अभी रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, करेक्ट? कितना पीएनएल दिख रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द पीएनएल दिख रहा है? इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो कितना पीएनएल दिख रहा है. 25,000 दिख रहा है प्लस. अभी मैं ऑर्डर्स में जा रहा हूं, अब ध्यान से समझना ओवर ट्रेडिंग क्या, कैसे इग्नोर करना होता है, ध्यान से समझना. ऑर्डर्स में जा रहा हूं मैं, ट्रेड्स में जा रहा हूं मैं, और यहां पर आप खाली टाइमिंग देखना, टाइमिंग, सिर्फ टाइमिंग देखो. मैंने 11 बजे टर्मिनल बंद किया था और उसके बाद मैंने वापस ट्रेड कितने बजे चालू किया, दिख रहा है ना सर बिलाल? 11 बजे से 1 बजे तक मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया है, दिख रहा है? मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, 10:30-11 बजे के आसपास टर्मिनल बंद कर दो और उसके बाद दोपहर में डायरेक्ट चालू करो. ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, करेक्ट? ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है. स्कैल्पिंग तो मैंने सिखाया है ना मिस्टर बिलाल, आपको स्कैल्पिंग मैंने सिखाया, राइट? टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने कोर्स किया उसमें सिखाया है, मैंने स्कैल्पिंग भी सिखाया है, करेक्ट? आप मेरा पीएनएल देख सकते हो, ये तो ठीक है, और यहां पर भी पीएनएल आप देख सकते हो. यहां पर भी मैं रिफ्रेश करता हूं, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, यहां पे पीएनएल आपको दिख रहा होगा 26,000 प्लस. इस भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, वापस आपको दिखेगा, दिख रहा है 26,000 प्लस, यस और नो? दिखा मिस्टर बिलाल, मिस्टर राकेश, मिस्टर आदित्य? 26 यहां पर, 25 यहां पर, शगुन का 51 हो गया. और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में 26 यहां पर है और 25 यहां पर है, करेक्ट? टेल मी योर पीएनएल, आप अपना पीएनएल बताओ. एज अ ट्रेडर, अगर आपको ट्रेडर बनना है, सबसे पहला रूल, प्रॉफिट वाला ट्रेड कभी भी लॉस में नहीं जाना चाहिए.
करेक्ट। सबसे पहला रूल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैंने कई बार बताया, कई बार बोला भी है कि ट्रेड फेवर में जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना स्टार्ट कर दो, करेक्ट। कितने लोगों ने प्रॉफिट किया, कितने लोगों ने लॉस किया, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, ऑनेस्टली रिप्लाई करो। व्हाट इज योर पीएनएल, क्या रेट पे स्क्वायर ऑफ किया आपने कॉल? मिस्टर बिलाल इज टेलिंग 1500 प्रॉफिट, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर ट्रेडर्स, मिस्टर दिव्य नेवार, मिस्टर दिव्य नेवार प्लीज शेयर योर पीएनएल, मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर कैलाश परेरा, मिस्टर राकेश, मिस्टर श्रीराम, मिस्टर पंकज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 800 रुपीज, ओके। एंड मिस्टर पंकज ये मेरा पीएनएल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज माय पीएनएल, इसको मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ। 25,000 यहाँ पर है, 26,000 यहाँ पर है, दिख रहा है। मिस्टर पंकज दिख रहा है, करेक्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वापस मैं बोल रहा हूं, ये जो है ना, ये 11 बजे टर्मिनल बंद करने का जो रूल मैंने बनाया है, ये अगर आप फॉलो करोगे तो काफी चीजों, काफी फंसने से बच जाओगे आप। यू कैन सी हियर, दिख रहा है क्या, 11 बजे के टर्मिनल मैंने 11 बजे बंद किया और फिर मैंने सीधा 1:15, 1:13 को ट्रेडिंग चालू किया है। 2 आवर्स मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, दिख रहा है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, तो ओवर ट्रेडिंग कैसे नहीं करोगे जब बीच में आपको ब्रेक लेना आना चाहिए और वो 2 घंटे में ही मार्केट घुमा है। हैव यू ऑब्जर्व दैट, 2 घंटे में ही मार्केट घुमा है, करेक्ट। व्हेन यू शट डाउन योर एट 11 यू शुड स्क्वायर ऑफ ऑल पोजिशन, यस स्क्वायर ऑफ ऑल पोजिशन, स्क्वायर ऑफ ऑल पोजिशन। सर इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हो ना, प्रिंट स्क्रीनशॉट बटन तो है, प्रिंट स्क्रीनशॉट बटन है, ले लो प्रिंट स्क्रीनशॉट, मुझे भी सेंड कर दो, करेक्ट, मुझे भी सेंड कर दो, मैं मिस्टर अंसर खलीफा को सेंड कर दूंगा, उन्होंने वेबिनार, वो अभी वेबिनार अटेंड नहीं कर रहे, तो मैं उनको सेंड कर दूंगा। 11 बजे टर्मिनल बंद, सारा पोर्शन स्क्वायर ऑफ, फिर मैंने डायरेक्ट आफ्टरनून में चालू किया है। 11 बजे तक मेरा पीएनएल था 12,000 प्लस, अगर आपको याद है, मॉर्निंग में ही मेरा 9,000 हो चुका था, 11 बजे तक मेरा 12,500 के आसपास प्लस था और उसके बाद में मैंने ट्रेड किया है। सर पंकज 11 बजे के आसपास का रूल ये है कि मॉर्निंग के ट्रेड्स में प्रॉफिट आ जाए, 4,000-5,000 का काम हो गया आपका डेली का, तो आप 11 बजे के आसपास टर्मिनल बंद कर दो, फिर डायरेक्टली 2 बजे के आसपास वेबिनार होता है तब चालू करो। दिस इज वॉट वी फॉलो, इससे क्या होता है आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे एंड 90% ऑफ द पीपल मेक लॉसेस बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग, यस और नो? 90% ऑफ द पीपल मेक लॉसेस बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। और बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा था, ये तो मैंने आपको 11:45 ही मैसेज कर दिया था कि बैंकिंग स्टॉक्स में शॉर्ट ट्रेड में रहना ही नहीं आज, ये मैंने आपको 11:45 मैसेज कर दिया था, यस और नो? हैव आई मैसेज ऑन द राइट टाइम, राइट टाइम पे मैंने मैसेज कर दिया था बैंकिंग का, तो स्टॉक्स का मैंने बैंक निफ्टी का तो क्लियरली मैसेज कर दिया था कि स्टे अवे फ्रॉम शॉर्ट ट्रेड, बैंक निफ्टी इज नॉट फॉलिंग, बैंक निफ्टी लेकर गया निफ्टी को ऊपर, करेक्ट। बट हाउ डू यू नो दिस, काला जादू मिस्टर बिलाल, ये काला जादू नहीं है, ये वो फेक स्क्रीनशॉट जो बनाते हैं ना, वो देख देख के सीखा है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसा स्क्रीनशॉट बनाते हैं ना, फेक स्क्रीनशॉट यूट्यूब पे वो देख देख के सीखा है। ये लाइव है, लाइव ट्रेडिंग है, प्योर लाइव ट्रेडिंग, सी इट इज एब्सोल्युटली लाइव, दिख रहा होगा आपको, ये कोई मैं रात को 8 बजे 9 बजे आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा कि 4 लाख प्रॉफिट कमाया, 5 लाख प्रॉफिट कमाया। यूट्यूब पे बहुत इजी है कोर्सेज सेल करना, आप 10-10 लाख के, 5-5 लाख के 5 स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दो, आपसे लोग सामने से आके 2-2-3-3 हजार के कोर्सेज बाय करके जाएंगे,
कोर्सेज का नाम रख दो, हीरो टू विलन, जीरो टू विलन, ऐसा कुछ नाम रख दो, अपने आप कोर्सेज लेकर जाएंगे। इट इज वेरी इजी। प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट पे कोर्सेज बिकते हैं, दैट इज कॉल्ड काला जादू। मैं तो आपको लाइव बता रहा हूँ, लाइव सिखा रहा हूँ। बैंकिंग स्टॉक्स मैंने तुरंत स्क्वेयर ऑफ करने बोला था, यस और नो, शॉर्ट ट्रेड। बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी शॉर्ट मत करना, बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, यहाँ पर ध्यान देना मैं आपको। अच्छा एक और बता दूं, ये देखो यहाँ पर एक और चीज बता दूं मैं, यहाँ पे एक और लर्निंग पॉइंट है। 11 बजे मेरा कौन सा ट्रेड स्क्वायर ऑफ हुआ है मिस्टर दिव्य निवार, कौन सा ट्रेड स्क्वायर ऑफ हुआ है एंड व्हाट प्राइस इट इज स्क्वायर ऑफ, कैन यू टेल मी कौन सा ट्रेड स्क्वायर ऑफ हुआ है एंड व्हाट प्राइस इट इज स्क्वायर ऑफ, कौन सा ट्रेड स्क्वायर ऑफ हुआ है 142 में, दिख रहा है कॉल शॉर्ट वाला ट्रेड। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 142 में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना, समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना, इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है। सी ये लर्निंग वेबिनार है, आज का जो मार्केट है ना इससे आपको सीखने मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है। सीधा सीधा मार्केट में कोई भी प्रॉफिट कमा लेता है, बट आज का जो वॉलेटाइल मार्केट है उसमें आप प्रॉफिट में हो तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। बिकॉज मार्केट ये कैंडल से स्टार्ट हुआ है, फॉल आया है एंड देन अनाइकी लोगो, दिख रहा है क्या सर बिलाल, वो नाइकी का लोगो कैसा बनता है, वैसा मूवमेंट आया आज, दिखा एकदम वी शेप रिकवरी है। अगर आप यहां से 15 मिनट का चार्ट ध्यान से देखो तो आपको अब ये समझ में आएगा कि इज इट मेकिंग अ हायर लो नाउ, यहाँ पे इसने एक हायर लो बना दिया क्या, ये गैप पूरा फिल करके वापस ऊपर गया है, दिख रहा है 17,000 तोड़ा ही नहीं इसने, 17,000 तोड़ा ही नहीं इसने, ये गैप फिल करके हायर लो बना के ऊपर चला गया। सो नाउ व्हाट इज द मूवमेंट, कैन एनीवन टेल मी अब क्या होगा, व्हाट इज द व्यू इफ आई आस्क यू, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द व्यू। डेली चार्ट ओपन करो, कुछ मत करो, सिंपल है, डेली चार्ट ओपन करो। मिस्टर पंकज, मिस्टर संजय देख लो, व्हाट वाज द ट्रेंड, ट्रेंड क्या था यहाँ पे, व्हाट वाज द ट्रेंड, बुलिश, ठीक है। आवरली चार्ट पे जाते हैं और आवरली चार्ट पे मैं बोलिंजर बैंड प्लॉट कर रहा हूं और यहाँ पे मुझे बताओ मिडल बैंड के ऊपर आ गया क्या वापस मिस्टर विकी गाला, मिडल बैंड के ऊपर आ गया। कल वेबिनार अटेंड किया था किसी ने अलाइज ब्लू वाला, हमने फ्यू अटेंडेड द वेबिनार ऑफ अलाइज ब्लू, जो अलाइज ब्लू में कंडक्ट किया था कल शाम को, अगर आपने अटेंड किया तो उसमें दिखाया था मैंने, करेक्ट, यस। तो यहां से अब क्लियरली व्यू बुलिश है। कंफर्मेशन कब होगा, कंफर्मेशन होगा जब 17,300 के 350 के ऊपर जाएगा ना, तब कंफर्मेशन है। क्योंकि ये देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये जो है ना ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, करेक्ट। अगर ये बेरिश एंगल्फिंग का हाई टेकन आउट होता है ना तो फिर एक फ्रेश रैली चालू हो जाएगा, देन इट विल बी फ्रेश अप ट्रेंड स्टार्ट। तो 60-70 पॉइंट और दूर है, इसके बाद स्ट्रेट अवे 17,600 है, 17,600, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान देना, ये रेड कैंडल का हाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 17,350 के ऊपर स्ट्रेट अवे टारगेट है 17,600, 17,600, 17,600, करेक्ट। और मॉर्निंग में अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखो तो इसने दो या तीन बार टेस्ट किया है 17,600, लेकिन 17,000, यहाँ पे इसने छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया, अगर आपको दिख रहा है, एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया,
एंड देन डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया है, दिख रहा है मिस्टर दिव्य निवार, मिस्टर बिलाल दिखा डब्ल्यू पैटर्न दिखा, यस और नो? 17,000 दो बार टेस्ट किया इसने, दो बार टेस्ट किया है, 17,000 ब्रेक ही नहीं किया इसने। और मैंने आपको क्लियरली मैसेज किया था पैनिक फॉल 16,980 के नीचे आएगा, पैनिक फॉल अगर आना है तो 16,980 लिखा भी है मैसेज में, चेक कर लेना, उसके नीचे पैनिक फॉल है, वो लेवल आया ही नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एनालिसिस समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी हम लोग बीटीएससी एसटीबीटी पे ध्यान देते हैं। चलो बीटीएससी एसटीबीटी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। अभी स्पार्क मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, स्पार्क मैंने अभी भी होल्ड किया हुआ है। बीटीएससी एसटीबीटी पे ध्यान देते हैं। पावर ग्रिड भी मैंने अभी तक कॉल शॉर्ट का ट्रेड होल्ड किया हुआ है, मैं एग्जिट करूंगा अगर ये देखो यहाँ पे पावर ग्रिड का भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं। चलो अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया है ना, तो पावर ग्रिड में ये ब्रेकडाउन कैंडल था और ये भी आज इसने बनाया इनसाइड कैंडल, ये डेली चार्ट है। तो कल के दिन में अगर ये वापस ब्रेक करता है तो नीचे जा सकता है, दिख रहा है कि आपको पावर ग्रिड का डेली चार्ट, तो इसलिए मैंने होल्ड किया हुआ है, दिखा यस और नो? दिख रहा है क्लियरली? इसलिए मैंने होल्ड किया हुआ है पावर ग्रिड, कॉल शॉर्ट का ट्रेड अभी भी मैंने होल्ड किया हुआ है, पर 210 के ऊपर अगर क्लोजिंग होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, नोट डाउन कर लो, 210 के ऊपर अगर क्लोजिंग होगा तो एग्जिट करना है, करेक्ट? अब हम लोग बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स पे ध्यान देते हैं। लेट्स डू एनालिसिस एंड ट्रेड। ट्रेलिंग एसएल करना ऐसे मार्केट में बहुत बड़ा आर्ट है, आपको ऐसे मार्केट में ट्रेलिंग एसएल करना आना ही चाहिए, अदरवाइज मॉर्निंग में प्रॉफिट कमाओगे और आफ्टरनून तक पूरा प्रॉफिट भी गया और लॉस लॉस में भी आ जाओगे। ठीक है, तो ट्रेलिंग एसएल करना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है। चार्लट होटल में पता नहीं क्या हुआ है, टेक महिंद्रा में ब्रेकआउट आया, तो ये दोनों स्टॉक देखेंगे हम लोग, चार्लट होटल देखेंगे और टेकम देखेंगे, टेकम में ब्रेकआउट आया है, ये दोनों देखते हैं। कैन यू टेल अबाउट द फर्स्ट स्टॉप लॉस व्हेन वी टेकन द ट्रेड इन ऑप्शंस? सर पंकज, फर्स्ट स्टॉप लॉस वाज स्पॉट लेवल ऑफ निफ्टी, ये देखो यहाँ पर, अब ध्यान से समझना है, एकदम सिंपल लॉजिक समझो, ठीक है, मैं एकदम सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, कुछ ये नहीं बता रहा, ध्यान से समझो। ठीक है, हम लोगों ने ये कैंडल में ट्रेड लिया था, राइट, ये कैंडल में ट्रेड लिया था, ये रेड कैंडल दिख रहा आपको, करेक्ट, ये रेड कैंडल दिखा। अब एक काम करते हैं, 17,100 के कॉल का ये ओपन करते हैं, वेट वन मिनट, चार्ट ओपन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, 17,100 के कॉल का चार्ट ओपन कर रहे हैं, क्यों नहीं ऐड हो रहा है, ऐड हुआ ना, हाँ ऐड हुआ, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था, करेक्ट, अगर आपको याद है 157 158 के आसपास शॉर्ट किया था, उसके बाद इसने लो बनाया कुछ 129 का, करेक्ट, मैंने आपको 120 का टारगेट दिया था। अब आपको यहाँ पर ये एक इन्वर्टेड हैमर छोटा टाइप कैंडल दिख रहा है क्या, ये रेड कलर का इन्वर्टेड, अगर इसको मैं प्रॉपर जूम करूँ तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल है, ठीक है, इसके हाई के ऊपर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा था मेरा, और इसका हाई था 144, तो 145 142 के आसपास मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, क्योंकि मैंने स्पेस दिया था ना, प्राइस और ट्रिगर प्राइस में गैप देते हैं ना, वैसे मैंने गैप दिया था, दिख रहा है? नहीं
निफ्टी अभी वॉलेटाइल लग रहा है, 7350 नहीं क्रॉस करेगा तो फिर वापस रेंजबाउंड है, थोड़ा वेट करते हैं। कुछ स्टॉक्स हमारे रेडार पर है, पहले वो चेक करेंगे। एक चाले टोटल आया, एक टेक महिंद्रा आया है, और चेक करते हैं और कोई स्टॉक रेडार पर है क्या। कुछ स्टॉक्स है रेडार पर, पहले वो ऐड कर लेते हैं, वेट 1 मिनट। पर ट्रेलिंग एसएल करना बहुत जरूरी है ऐसे मार्केट में, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक प्रॉफिट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना बहुत जरूरी है, शॉर्ट में कोई भी ट्रेड नहीं। चलो तो इजी मार्केट है, मतलब अभी तो इजी स्टॉक सिलेक्शन है, दो ही ट्रेड आए हैं और दोनों ट्रेड हमें ट्रैक करना है, ठीक है। इजी स्टॉक सिलेक्शन है और कोई स्टॉक फिल्टर में भी नहीं है। चाले टोटल आया है, क्लियर ब्रेकआउट है। और डेली चार्ट चेक कर लेते हैं, आवरली चार्ट चेक कर लेते हैं, डेली चार्ट में भी क्लियर। ओ हो, क्या बात है, ये 300 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है इसमें, ठीक है। तो निगलेक्ट कर दिया इसने, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चाले टोटल में वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग तक। टेक महिंद्रा देखते हैं, टेक महिंद्रा में क्लियर ब्रेकआउट है, क्लियर ब्रेकआउट है टेक महिंद्रा में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेक महिंद्रा बीटीएससी ट्रेड ले लेते हैं हम लोग, और चाले टोटल भी लेंगे, लेकिन चाले टोटल में थोड़ा सा डिप मिल सकता है, 300 के ऊपर क्लोजिंग देगा ना तो लेना है। तो टेक महिंद्रा एक क्लियर ट्रेड है, बीटीएससी ट्रेड है, मैसेज कर रहा हूँ मैं, वेट 1 मिनट। मैसेज किया, मैसेज मिला टेक महिंद्रा का, चेक कर लो, मैसेज मिला चेक करो। मैसेज मिला, प्लीज रिप्लाई। टेक महिंद्रा का मैसेज मिला होगा, चाले टोटल में वेट करना है। आईजीएल, आईजीएल में क्या हो रहा है चेक करते हैं। चलो इंद्रप्रस्थ गैस क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। सर बिलाल कुछ भी नहीं है, वेट करो, इसमें बॉटम बन रहा है, लेकिन इसमें बॉटम बन रहा है, इसमें ये चल सकता है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन कैंडल्स नहीं है तो थोड़ा वेट करते हैं। ये चल सकता है लेकिन बॉटम बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट अगर आप यहाँ पे ये 22 तारीख मतलब आज ही है ना, आज से ही कंसोलिडेट करना चालू हो गया ही है। ये देखो पूरा आज का सारा कैंडल ही कंसोलिडेशन वाला है, तो इसको थोड़ा रडार पर रखो, ये चल सकता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा फॉल का रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, समझ में आ रहा है, रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो ये चल सकता है, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना। ऑरो फार्मा कैन वी क्लोज, क्लोज मींस यस, ऑरो फार्मा तो उसी दिन गया था ना, 689 तक जाके भी आया, क्लोज कर दो। यस व्हाई यू आर वेटिंग, मॉर्निंग में ही 690 के आसपास था ये, तो क्लोज कर दो, प्रॉफिट आ रहा है बुक कर दो। डेली आपको यहां पर ट्रेड मिलने वाले हैं मॉर्निंग वेबिनार्स में, करेक्ट। So close it, book it, close. चाले टोटल पे थोड़ा ध्यान देना, ये 300 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो थोड़ा वेट करेंगे। टेक महिंद्रा ट्रेड लिया बस, बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है अभी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है एक्चुअली। मैंने मॉर्निंग में इसलिए मैंने मैसेज कर दिया था, मुझे लगा भी है बैंक निफ्टी आज घूम जाएगा, इसलिए मैंने मैसेज भी किया आप लोगों को कि बैंक निफ्टी में तो आज शॉर्ट करना भी मत, बैंक निफ्टी नॉट फॉलोइंग, स्टे अवे फ्रॉम बैंकिंग शॉर्ट, बैंकिंग स्टॉक शॉर्ट ट्रेड लिखा भी है मैंने क्लियरली।
बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी, एंड आई थिंक बैंक निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट आ सकता है, 38,000 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी, 38,000 तक पॉसिबल है। टाटा मोटर्स तो दूर रहो, टाटा मोटर्स में बहुत खराब न्यूज है, टाटा मोटर्स से जितना हो सके जहाँ तक दूर रहो, दूर रहो, थोड़ा दूर रहो मिस्टर बिलाल, इसमें थोड़ा नेगेटिव न्यूज है, काफी नेगेटिव न्यूज है, इसलिए है सेटअप बाइंग वाला है, लेकिन इसको थोड़ा इग्नोर कर दो एक बार। ले भी रहे हो तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ लेना, सेटअप बाइंग वाला है, ट्रेडिंग के हिसाब से ले सकते हैं, सेटअप बाइंग वाला है, आंसर इज यस, लेकिन इसमें नेगेटिव न्यूज फ्लो ज्यादा है, कभी भी नेगेटिव न्यूज आ जाता है, इसलिए थोड़ा वेट करेंगे फिर ट्रेड लेंगे, 2-3 मिनट वेट करते हैं, 3 बजे कैंडल फॉर्म होने दो, उसके बाद ट्रेड लेंगे। अच्छा कहना से आज शॉर्ट ट्रेड स्ट्रैप हुआ है आज मॉर्निंग में, कैन आई से दिस मिस्टर धीरज, मिस्टर आदित्य, ऐसा बोल सकते हैं कि आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रैप हुआ होगा, पॉसिबल है, पॉसिबल है शॉर्ट शॉर्ट ट्रैप हुआ होगा, हम लोग नहीं हुए लेकिन बाकी लोग ज्यादातर शॉर्ट ट्रैप हुआ होगा, यस और नो? ट्रैप नहीं पकड़ के धुलाई पकड़ के धुलाई हो गई या जो भी, लेकिन शॉर्ट ट्रैप हुआ है इतना एक समझ लो। और अगर ये 17,350 क्रॉस हुआ तो 17,600 तक का टारगेट है, सिंपल नॉन स्टॉप टारगेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी रिकवरी हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा कल आई थिंक 1 मिनट, कल भी 103.4 नहीं तोड़ रहा था, आज भी हम लोग ने मॉर्निंग शॉर्ट ट्रेड एग्जिट करवाया, राइट टाइम पे एग्जिट करवाया, करेक्ट, क्योंकि मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रैप लग ही रहा था इसलिए मैंने राइट टाइम पे एग्जिट करवाया। मैंने बोला भी आपको कि बैंकिंग स्टॉक्स में शॉर्ट नहीं करना है, एंड यू कैन सी हियर, ये क्लियरली इसने एक हायर लो बनाया है यहाँ पे, तो ये चलेगा, अभी ये चल सकता है 120 125 तक आ सकता है, ये 120 125 तक आ सकता है, चल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना। एक और मैं बीटीएस से ट्रेड दे रहा हूँ, वेट 1 मिनट, थोड़ा सा ये ट्रेड है मतलब वॉलेटाइल ट्रेड है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा इसका, लेकिन आई थिंक अगर ये चलेगा तो बहुत अच्छा खासा चलेगा ये। चालेट होटल्स दिया है भाई, दिख रहा है, ये भी मिला होगा चालेट होटल्स, चालेट होटल्स भी मिला होगा भाई, मैं चेक कर लो, दो ही ट्रेड लिए हम लोगों ने, चालेट और टेक महिंद्रा, और कोई ट्रेड नहीं लिया है। एक्सिस बैंक भी मैंने आपको मैसेज दे दिया था राइट टाइम पे कि बैंकिंग स्टॉक्स को शॉर्ट मत करना, राइट टाइम पे मैसेज दिया मैंने,
क्योंकि सारे बैंकिंग स्टॉक्स में रिवर्सल था तभी, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में, कोई भी बैंकिंग स्टॉक उठा लो, एसबीआई उठा लो, चाहे कोई भी उठा लो, सब में रिवर्सल था बॉटम से। इसलिए मैंने क्लियरली मैसेज कर दिया। रिलायंस, रिलायंस आप बोल रहे हो क्या मिस्टर बिलाल? रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज चेक करते हैं, चलो क्या हो रहा है रिलायंस में। है वॉल्यूम अच्छा है मिस्टर बिलाल, अच्छा ट्रेड है। अगर इसको प्रॉपरली ड्रॉ करे तो ये कप पैटर्न बना रहा है, 2550 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट है इसमें, 2550 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट है, ये वापस 2800 तक जा सकता है, बड़ा ब्रेकआउट है इसमें 2550 के ऊपर, इसको भी रडार पर रख लो, बड़ा ब्रेकआउट है। इसमें भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यस चेक करते हैं। और कोई नया स्टॉक आया है क्या? चाले टोटल लिया है, टेक महिंद्रा लिया है, स्पार्क हम लोगों ने, मैंने होल्ड किया हुआ है, तो स्पार्क मैं आपको बताता हूँ, मैंने होल्ड किया हुआ है। पावर ग्रिड भी मैंने होल्ड किया है 210 के स्टॉप लॉस के साथ में, और कोई ट्रेड देख लेते हैं एक बार, अगर और कोई ट्रेड है तो। शॉर्ट में तो कोई ट्रेड है ही नहीं, बाय में देखते हैं अगर और कोई स्टॉक आया है क्या नया, शॉर्ट में तो कोई ट्रेड नहीं है। चलो एक और स्टॉक आया है, इनफैक्ट हाँ एक और आया है, लक्ष्मी मशीनरी, ये कौन सा स्टॉक है चेक करते हैं। लक्ष्मी मशीनरी ये एक स्टॉक आया रडार पर, लक्ष्मी मशीन्स ये स्टॉक आया है, ये कौन सा स्टॉक है? ओ ये भी सेम, ओ स्टॉक का प्राइस ही बड़ा है, बहुत बड़ा प्राइस है, 10,000 का प्राइस है, क्या ट्रेड लेंगे? आई थिंक ये कैश सेगमेंट में ही है ना, फ्यूचर्स में तो है नहीं, है कैश सेगमेंट में ही है, कुछ नहीं सिर्फ कैश सेगमेंट में बाय कर सकते हैं एज अ बीटीएससी ट्रेड, बाकी स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा है। स्टॉक और कोई रडार पर है नहीं, तीन स्टॉक रडार पर है, चाले टेक महिंद्रा ये दोनों मैंने बाय दिए, और लक्ष्मी मशीन्स है, ये भी 1,000 रुपया बढ़ सकता है, 11,200 तक का टारगेट है इसमें, और कोई स्टॉक रडार पर नहीं है। वेट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, और कोई स्टॉक रडार पर आया नहीं है, जो मैंने जो आया मैंने आपको बता दिया। देखो लक्ष्मी मशीन्स भागना भी चालू हो गया, 150 रुपीज तो ऑलरेडी आप हो चुका है, और कोई स्टॉक रडार पर आया नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं। सिर्फ इवनिंग स्टार, सिर्फ मॉर्निंग स्टार, सिर्फ बेरिश एंगल्फिंग, सिर्फ ये सब देख के प्रॉफिट नहीं आने वाला है, ठीक है? आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग स्किल, ट्रेडिंग थोड़ा सा माइंड रखना पड़ेगा। जैसे आज अगर आप मॉर्निंग में देखो, मॉर्निंग में निफ्टी बेरिश था, निफ्टी के कॉल में भी एग्रेसिव वॉल्यूम था, इवनिंग स्टार पैटर्न भी बना था, लेकिन सब कुछ रिवर्स होके तुरंत ऊपर गया है, करेक्ट? अच्छा जी का बैड न्यूज आया, ठीक है चेक करते हैं। तो सिर्फ पैटर्न्स देख के कुछ नहीं होने वाला मिस्टर धीरज, मिस्टर राकेश,
आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग सेंस, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस गैदर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में ही मैसेज कर दिया था कि बैंक निफ्टी शॉर्ट मत करना, बैंक निफ्टी समझ गया था कि इससे नीचे नहीं जाने वाला है, बैंकिंग स्टॉक्स भी सब रिवर्सल हो चुके थे, ठीक है। अभी आपको काफी अच्छे पैटर्न दिख रहे होंगे बैंकिंग स्टॉक्स में। पेटीएम लाइफ टाइम लो, पेटीएम तो गया काम से, पेटीएम में तो पता नहीं क्या हुआ है, 543। पेटीएम तो आई थिंक पता नहीं कब आएगा अभी ऊपर। जी एंटरटेनमेंट देखते हैं, जी क्या हुआ है, जी भी गया, जी में भी बैड न्यूज आया ना अभी, कहीं शॉर्ट नहीं करना चाहिए इसको, शॉर्ट नहीं करना है इसको, शॉर्ट मत करो जी, शॉर्ट मत करना फंस जाओगे, जी शॉर्ट मत करना। शॉर्ट नहीं करना जी, टेक महिंद्रा में बड़ा टारगेट लग रहा है, 1600-1650 तक जा सकता है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ध्यान देना, चैलेंज होटल्स ध्यान देना, लक्ष्मी मशीनरी हम लोग ट्रेड ले नहीं सकते बिकॉज द स्टॉक प्राइस इज वेरी हाई, ठीक है। पेटीएम में कुछ हाथ लगाना नहीं है, जी में कुछ ट्रेड लेना नहीं है, तो अभी तक फिलहाल सिर्फ इतना ही ट्रेड है। निफ्टी अभी रेंज बाउंड है, साइडवेज है, 17,350 का लेवल क्रॉस करेगा तो 17,600 तक जा सकता है। इज दैट पार्ट क्लियर? 17,350 क्रॉस करेगा तो 17,600 तक जा सकता है। कल लेंगे हम लोग बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी ना, कल ट्रेड करेंगे वीकली स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी वीकली स्ट्रेटेजी कल हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। नहीं नहीं करना है, नहीं करना है, कोई ट्रेड कैरी नहीं करना है, बैंक निफ्टी का वीकली स्ट्रेटेजी कल ट्रेड करेंगे। टेक महिंद्रा चलना चालू हुआ, ध्यान देना टेक महिंद्रा पे, और कोई ट्रेड रेडार पर आया नहीं है, एक और बार लास्ट टाइम स्कैनिंग में देख लेते हैं और कोई स्टॉक रेडार पर आया है क्या। क्या बात है, ओ माय गॉड, बीपीसीएल भी आ गया, चलो ठीक है बीपीसीएल भी देखते हैं, बीपीसीएल भी आ गया रेडार पर, क्या हुआ है बीपीसीएल में सडनली, बीपीसीएल में जस्ट अभी जस्ट बाइंग चालू हुआ है, बीपीसीएल भी आया रडार पर, बीपीसीएल भी ले लो, यस प्रॉपर बीटीएसटी ट्रेड है बीपीसीएल, प्रॉपर बीटीएसटी ट्रेड है, 380-385 तक के टारगेट के लिए ये भी ले सकते हैं, मैसेज कर रहा हूं मैं, बीपीसीएल बाय कर लो। हाँ ये भी मैंने मैसेज किया, चेक कर लो बीपीसीएल, तो तीन बीटीएसटी ट्रेड मिले होंगे आपको। लक्ष्मी मशीनरी में ट्रेड नहीं लिया है, परफेक्ट है, प्लीज प्लीज रिप्लाई, प्लीज कंफर्म दी ओपन पोजीशन, तीन बाय ट्रेड मिले होंगे टेक महिंद्रा, चाले टोटल, बीपीसीएल। मिस्टर दिवे नेवार, मिस्टर राकेश, तीन बाय ट्रेड आपको मिले होंगे, तीन बीटीएसटी ट्रेड मिले, राइट। टेक महिंद्रा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अच्छा बीपीसीएल आपने लिया है, ठीक है मिस्टर बिलाल,
बीपीसीएल 380-385 तक का टारगेट दिया है मैंने। यहाँ तक लगता है 375-76 तक तो इमीडिएटली लगता है और 380 तक भी जा सकता है ये। 8-10 रुपए का मूवमेंट कल 375-380 तक भी मिलता है तो एग्जिट करना है, कल बीटीएसटी में निकल जाना है, उसमें ज्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना। टेक महिंद्रा चलेगा, टेक महिंद्रा चल रहा है 1540 नाउ। सात आठ रुपए 10 रुपए तक का टारगेट है, 380 तक जा सकता है ये बीपीसीएल। अभी जस्ट बाइंग हुआ है, लास्ट 15 मिनट में बाइंग चालू हुआ है इसमें। यू कैन सी हियर लास्ट 15 मिनट में अभी बाइंग चालू हुआ है इसमें। देखो यहाँ पे अभी आपको वॉल्यूम भी दिख रहा होगा और इसमें ये 15 मिनट के चार्ट पे काफी अच्छा कप पैटर्न ब्रेकआउट भी दिया है इसने, दिख रहा है। तो 7-8 रुपए का टारगेट इजीली लग रहा है इसमें। और कोई ट्रेड रडार पर है नहीं, चाले टोटल टेक महिंद्रा बीपीसीएल ये हम लोगों ने लिया है, करेक्ट। और कोई ट्रेड रहा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे थोड़ा फोकस करना है क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला मार्केट है ये, वन साइडेड वैसा मार्केट नहीं है। अच्छा वापस मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 17,350। अगर वो लेवल क्रॉस करता है तो फिर 17,600 तक निफ्टी जा सकता है, 17,600 तक। और बैंक निफ्टी यहाँ से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ से 38,000 तक के भी पोजिशनल टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो दोनों में व्यू अभी बुलिश है, स्ट्रॉन्गली बुलिश यू कैन से, दोनों में अभी व्यू बुलिश है। तो बुलिश ट्रेड प्लान करना है, 17,600 का टारगेट है एंड 38,000 तक का टारगेट है, ठीक है। तो बुलिश ट्रेड प्लान करना है, परफेक्ट क्लियरली मैंने लिख दिया एक्सेल में, नोट डाउन कर लो और बुलिश ट्रेड ही प्लान करना है, ठीक है। किसी में भी प्लान करो, ऑप्शंस में करो, चाहे कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी लो, चाहे कुछ भी लो, डजंट मैटर, बट बुलिश ट्रेड प्लान करना है। आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैंने सिखाया है और अगर आपको आपको नहीं आता है तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेवल 2 कोर्स कर लो, आपको समझ में आएगा कि कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करना है। ठीक है, तो सी यू टुमारो मॉर्निंग इन मॉर्निंग वेबिनार, कल सुबह मिलेंगे 9:30 बजे मॉर्निंग वेबिनार में। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।